नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में LOC के पास 4 सेक्टरों में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में भारतीय सेना के 2 जवान और BSF का 1 जवान राकेश डोभाल शहीद हो गए और 3 नागरिकों की मौत हो गई, 1 नागरिक घायल हो गया है। केरन सेक्टर के कुपवाड़ा से लेकर उरी सेक्टर के बारामूला तक पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। इस सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सभी सेक्टरों में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अधिकारियों के मुताबिक बांदीपोरा जिले में गुरेज सेक्टर के इजमर्ग में संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया गया। इसके कुछ ही मिनटों के बाद कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में गोलीबारी की गई। BSF के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले के गंगानगर के रहने वाले थे। इस बीच कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि आज LOC स्थित केरन सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। इसके बाद ही सभी जवानों को अलर्ट कर दिया गया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया। अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने बारामूला के उरी सेक्टर में भी भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के सवजीन इलाके में गोलीबारी की। आज लगातार 4th दिन है जब पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने कल भी जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा के पास स्थित 4 सेक्टरों के सीमावर्ती इलाकों और चौकियों पर भारी गोलीबारी की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस महीने में अब तक 24 बार संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर का उल्लंघन किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।